Hello, I am Dr. Sarika Gupta. I am Senior Consultant Gynecologic Oncology and Robotic Gynecology at Indraprastha Apollo Hospital, New Delhi. मैं जो औरतों में जो कॉमन कैंसर है उनका ट्रीटमेंट करती हूँ, उनकी सर्जरी करती हूँ. आज हम बात करेंगे बच्चेदानी के कैंसर की, क्योंकि ये ऐसा कैंसर है जो बहुत जल्दी जल्दी ही भारत में बढ़ता जा रहा है. अब यूएस में तो ये सबसे कॉमन कैंसर है, भारत में ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन है, पर एंडोमेट्रियल कैंसर या बच्चेदानी का कैंसर या यूट्राइन कैंसर भी भारत में बहुत जल्दी से बढ़ता जा रहा है. ये क्यों बढ़ता जा रहा है? इसलिए सेडेंट्री लाइफस्टाइल से इसका रिलेशनशिप है, ओबेसिटी मतलब जो मोटापे से इसका रिलेशनशिप है, डायबिटीज़, जिन लोगों में डायबिटीज़ ओबेसिटी या जो लोग बैठे रहने वाला काम करते हैं या वेस्टर्न लाइफस्टाइल जिनका होता है उनमें ये ज़्यादा देखा जाता है. ये कैंसर उन लोगों में भी ज़्यादा देखा जाता है जो किसी तरह से हार्मोन रिप्लेसमेंट ले रहे हैं. ये कैंसर उन लड़कियों में ज़्यादा देखा जाता है जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की परेशानी है. तो हम देखते हैं कि बच्चेदानी का कैंसर होता क्या है. ये बच्चेदानी का कैंसर, ये एक बच्चेदानी है और ये ट्यूब है और ये अंडेदानी है, ये नीचे बच्चेदानी का मुंह है. तो बच्चेदानी के अंदर जो कैंसर होता है उसे यूट्राइन कैंसर या एंडोमेट्रियल कैंसर कहा जाता है. और इसमें क्या होता है कि या तो महावारी जिनको बंद हो गई उनको दोबारा चालू हो जाती है यहाँ से रक्तस्राव होने की वजह से, या फिर महीने के बीच में महीना आना या महावारी बहुत ज़्यादा हो जाना, ये सब इसके लक्षण होते हैं. और मेजॉरिटी सभी महिलाओं में इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो सर्जिकल होता है. इसमें बच्चेदानी निकालनी पड़ती है और जो उसके कुछ लिम्फ नोड्स हैं उनको निकाला जाता है, और उसके बाद जो ट्रीटमेंट है वो ऑपरेशन होने के बाद बताया जाता है कि रेडिएशन होनी है या कीमोथेरेपी चलनी है, पर ऑपरेशन इसमें हमारा मेन ट्रीटमेंट.